बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह, बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मैदान में हैं। इसके अलावा कांग्रेस के माधवेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सातवें चरण के रण में एक विधानसभा सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट को यूपी की सियासत में काफी अहम माना जाता है। इस बार इस सीट पर सपा के दुर्गा प्रसाद यादव, बीजेपी के अखिलेश मिश्रा और बीएसपी के सुशील कुमार सिंह के बीच मुकाबला है। बात पूर्वांचल की एक और हॉट सीट जौनपुर की। इस सीट पर पिछले 22 साल में किसी पार्टी या नेता ने लगातार जीत दर्ज नहीं की है। बीजेपी से राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव 2017 में यहां से जीते थे। इस बार वो लगातार दूसरी बार विधायक बनने का सपना सजोए हुए चुनावी मैदान में है। जिन्हें रोकने के लिए मुस्लिम बाहुल्य इस सीट से सपा ने पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस ने 2017 विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे नदीम जावेद पर फिर से भरोसा जताया है। सातवें चरण के रण में एक और बड़ी सीट है, फूलपुर पवई। वर्तमान में रमाकांत के बेटे अरुण कुमार यादव बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन रमाकांत समाजवादी पार्टी में वापसी कर चुके हैं और सपा की टिकट से खुद चुनावी मैदान में हैं। तो बीजेपी ने राम सूरत राजभर को टिकट दिया है, वहीं बीएसपी ने शकील अहमद पर भरोसा जताया है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए सीट से जीत दोहराना किसी चुनौती से कम नहीं है। बात सातवें चरण की एक और विधानसभा सीट घोसी की। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट भी इस बार काफी हॉट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट पर किस्मत आजमाने के लिए योगी सरकार में मंत्री रहे तारा सिंह चौहान सपा के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने भी अपने मौजूदा विधायक विजय राजभर को टिकट देकर ही तारा सिंह चौहान को घेरने की कोशिश की है। वहीं बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार वसीम इकबाल को उतार कर सपा के टिकट पर उतरे तारा सिंह के वोट बैंक में सिद्ध लगाने की कोशिश की है। पूर्वांचल के रण में जहूराबाद सीट भी काफी अहम है, क्योंकि सीट से बीजेपी से अलग होकर सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर मैदान में हैं। लेकिन यहां से उन्हें बीजेपी और बीएसपी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के कालीचरण राजभर और बीएसपी की शादाब फातिमा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बात पूर्वांचल के कुछ और दिग्गजों की करें तो वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर मैदान में है, लेकिन इस सीट से ओपी राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उतार कर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। जबकि बीएसपी के रवि मौर्य भी अच्छी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। सातवें चरण की वाराणसी दक्षिण सीट पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने लगातार इस सीट पर जीत हासिल की है। इस बार बीजेपी ने यूपी के मंत्री नीलकंठ तिवारी को और समाजवादी पार्टी ने किशन दीक्षित को टिकट दिया है। बीएसपी ने दिनेश कसौदन को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर सातवें चरण के रण में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा यूपी की महाभारत में कौन महारथी किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।